भाई विवेक गुप्ता की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हुंडई क्रेटा 2019 आप बोल सकते हैं 2022 में हम बैठे हुए हैं, मतलब 2022 ईयर चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे इस जो स्टीरियो आता था, जो आपका क्रेटा ले लें, टूसॉन ले लें या फिर i20 ले लें, A to Z हर गाड़ी में वरना तक में यही स्टीरियो आता था। आज मैं आपको इस स्टीरियो का इन डेप्थ में रिव्यू बोल सकते हैं या फिर फीचर्स पूरा बोल सकते हैं, एक्सप्लेन बोल सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है इसमें खास, A to Z सब अंत तक आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। उससे पहले मेरे पास दो फ़ोन है, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले कैसे इसमें कनेक्ट होता है वो भी बता दूंगा, क्योंकि जो जिनकी गाड़ी जो गाड़ी के ऑनर है वो गाड़ी लेने के 2 साल तक एंड्रॉयड ऑटो कैसे ऑन किया जाता है यही नहीं जानता है। तो वही एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, वही मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले एक बार स्टार्ट स्टॉप बटन करेंगे, ये आपका आ गया, सिंपल सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z कन्फर्म करती है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है जिसमें इधर आपको टाइम डेट, इधर FM का, इधर मेन्यू, इधर टाइम, इधर डेट, ये सब मतलब ये सब तो फलान वाक सबको पता है। इधर अगर देखने तो वॉल्यूम कंट्रोल म्यूट का मिल जाता है, इधर आपको ट्यून चेंज कर सकते हैं A to Z, इधर आप FM AM कर सकते हैं, इधर आप कॉल डिसकनेक्ट मतलब कॉल मतलब उठा सकते हैं और रख सकते हैं, इधर आपसे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इधर सीक ट्रैक मीडिया ये सब तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी समझदार है। अगर हम ऑल मेन्यू में जाएंगे तो ऑल मेन्यूज में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ पर जब आपका ब्लूटूथ या फिर एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगा तब आगे का बताएगा, या फिर USB लगी होनी चाहिए। जैसे कि मैं USB मेरे पास है यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, रीडिंग USB। वीडियोज़ में जाएंगे यहाँ पर वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको वीडियोज़ में कुछ होगा तो मिलेगा, जैसे कि इसमें है ही नहीं। तो चलते हैं रिवर्स बैक, तो इतना कुछ आपको फीचर मिल जाता है यहाँ पर, आपको रेडियो का, म्यूज़िक का, फ़ोन का, ये सब मिल जाता है। सेटअप में आप जाएंगे तो सेटअप में आपको साउंड का, डिस्प्ले का लेआउट अगर चेंज करना हो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में डे नाइट ऑटोमेटिक कैसे करना है वो, इल्यूमिनेशन कितना रखना है वो, एडजस्टमेंट क्या, ब्राइटनेस कैसे, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसा आपको सही लगे। डिफॉल्ट कर सकते हैं सब कुछ, अगर डिफॉल्ट करेंगे तो उससे हो जाएगा। और रेटियो मतलब फुल स्क्रीन डिस्प्ले चाहिए, वाइड चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, हम तो इसको भाई करते हैं फुल, हमको भाई फुल स्क्रीन चाहिए। तो यहाँ पर आपको फ़ोन प्रोजेक्शन ब्लूटूथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये ऐसे ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर कस्टम बटन, आपको कुछ बटन कस्टम करना हो जैसे कि इस बटन से आपका क्या वर्क हो, डिस्प्ले ऑन ऑफ हो, क्या हो, सब कुछ इससे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप डेट टाइम कर सकते हैं अपने हिसाब से, लैंग्वेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर यहाँ पे आप कीबोर्ड जो होता है उसको आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह की कीबोर्ड चाहिए, ABCD चाहिए कि जो लैपटॉप में कंप्यूटर में आता है उस तरह में चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इतने फीचर्स काम भर के हैं। यहाँ पर स्क्रीन सेवर ऑन कर देंगे तो आपका इधर आपका बताता है जैसे कि डिजिटल में आपको क्लॉक चाहिए या फिर एनालॉग में चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो मत रहने दीजिए, तो ये भी कर सकते हैं। सिस्टम इनफ में जाएंगे आपका पूरा बता देगा, यहाँ पर अपडेट मांग रहा है, इसको अपडेट करना तो बनता है। इंसर्ट मेमोरी कार्ड डॉट कंटेंस द अपडेट फाइल, अपडेट फाइल मतलब ये सर्विस सेंटर से होगा, इसको भी करवा देंगे बहुत जल्द। तो अभी इतना कुछ आपका मिल जाता है, नो डाउट एक नंबर के इसके स्पीकर से, एक नंबर के इसके ट्विटर से, पता नहीं किस ब्रांड के लगे हैं लेकिन एक नंबर के हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं है वहाँ पे। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ सिंपली इसमें एंड्रॉयड ऑटो, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है वो बता देता हूँ। मोटा मोटा देखें, आपके पास ओरिजिनल डाटा केबल होना चाहिए जो आप में लगे, जैसे कि अभी टाइप सी लगेगा, इसको मैंने निकाला यहाँ पर लगाया, ये लो भाई इधर लग गया। अब ये मैं लगा रहा हूँ इधर, जो कि पहले मैं कर लेता हूँ ऑन फोन, तो ये ऑन हो गया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसको। ये मोटा मोटा सा चीज़ है, मतलब सही है एंड्रॉयड ऑटो, बहुत लोग इसमें जो गाड़ी का ऑनर है वही जब नहीं लगा पाए तो भाई ज़रूरी है बताना ये चीज़। लो भाई लग गया अपना, ये चार्जिंग उठा लिया, एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसमें कनेक्ट हो जाता है। अभी इसमें देखो कोई ऑप्शन तो आया ही नहीं एंड्रॉयड ऑटो का, अब कैसे ही आएगा ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है ये यहाँ तक एंड्रॉयड ऑटो, इसमें ऐप डाउनलोड नहीं है। अभी ये नया फ़ोन है भाई, मैंने जल्दी ही लिया है रेडमी नोट 11T, इसमें वो सारे ऐप्स हैं नहीं जो जो काम के चाहिए, तो इसीलिए शायद थोड़ा
कुल मिला के आपका ऐसे हो जाता है कनेक्ट, एंड्रॉइड ऑटो ऐप आपको डाउनलोड करना है, बस तुरंत कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करता। अब ये देखो भाई, ये तो ऑन हो नहीं रहा है, तो मैं सिंपली सा एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यार नेट में इसमें प्रॉब्लम है। अभी जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी हम लोग नेपाल में, वहाँ पर नेटवर्क यार वाईफाई सिर्फ रहता है, तो अभी मैं वाईफाई से काफ़ी रेंज के बाहर हूँ, तो इसलिए वाईफाई कनेक्ट हो नहीं रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया एंड्रॉइड ऑटो। अब जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। अभी स्विच कर रहा हूँ मैं एंड्रॉइड फ़ोन पे, थोड़ा कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी लो मिल सकती है, लेकिन ये भाई दिखाना ज़रूरी है। तो चलते हैं फटाक से दूसरे वाले फ़ोन पे। लो भाई, हम आ चुके हैं अपने दूसरे फ़ोन पे। कैमरा क्वालिटी लो मिले तो पहले से ये सॉरी है यार, क्योंकि यही ऑप्शन ही, अब क्या कर सकते हैं। मैंने तो सुना था बहुत अच्छा कैमरा होगा इसका, नोट 11T का, लेकिन कुछ खास नहीं है। तो उसके लिए भी आपको एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना हो, ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए एप्पल का, लाइटनिंग केबल जिसको हम बोलते हैं, इसको यहाँ पर लगाए। और इसमें बहुत आसानी, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये अपना फ़ोन है, यहाँ पर मैंने इसको लगाया, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये मैंने लगाया और ये डिस्प्ले पे आ गया एप्पल कारप्ले, रीडिंग यूएसबी एप्पल कारप्ले लिख के आ गया। तो ऐसे ही आपका वो भी होता है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है यार। यहाँ पे क्लिक करें, आ गया आपका एप्पल कारप्ले, और बहुत मस्त इंटरफेस आता है यहाँ पर, आपका म्यूजिक ये सब A to Z सब आ जाता है। यहाँ पर जाएंगे, आपका जितने काम का ऐप है सब इसमें चलेगा, मस्त वाला, कुछ भी नहीं। और इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, मैप आप लगाना चाहें मैप लगा सकते हैं, इसको आप 3D करना चाहें 2D से, ये शायद नहीं होता, हाँ ये हो गया 3D टाइप में, आप इसको जैसा अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। लाइट ऑन करेंगे तो आपका ये डिम हो जाएगा, जो कि नाइट मोड शिफ्ट हो जाता है, ये भी काफ़ी गजब सा लगता है। कुछ ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अभी जैसे कि मैं कुछ इसमें आपको एक म्यूजिक प्ले करके NCS का सुना देता हूँ, वैसे ना के बराबर उम्मीद है चलने का, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है इसमें, कैसे चलेगा यार, नेट ही नहीं है मेन इशू। म्यूजिक क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, NCS कोई भी NCS डालता हूँ, NCS नॉट कॉपीराइट स्ट्राइक म्यूजिक आ जाए भाई तो अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ठीक ही है, काफ़ी स्मूथ है रिस्पॉन्स, 3 उंगली से चेक करना चाहें तो स्मूथ है, काम का है। मैसेजेस में जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से आएगा, यहाँ पर सारे मैसेजेस आप पढ़ सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब यार एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सब में एक ही जैसा होता है, कुछ इसमें खास ही क्या बताऊँ, कुछ भी वैसा नहीं है, मतलब एक ही जैसा होता है। अब यहाँ पे चल नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर वाईफाई लगा वहाँ पर जाता हूँ और एक NCS का म्यूजिक डाउनलोड करके फिर आता हूँ, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। लो जी लो भाई, इसमें आ गया अपना NCS का म्यूजिक, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैं बजाता हूँ फटाक से NCS का म्यूजिक और आपको सुनाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स है इसका। ये मैं करता हूँ कनेक्ट, ये हो जा कनेक्ट भाई, इधर ये कैसे लगेगा इस भी? ये लो भाई लग गया, कुछ टाइम में अपने आप एप्पल कारप्ले कनेक्टेड, यहाँ से रिवर्स, लो भाई आ गया। अभी मैं हो जाता हूँ म्यूजिक यहाँ से, अभी आप लो ये बज रहा है मस्त वाला वैल्यूम, अभी ऐसा कुछ आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अभी मैं थोड़ा सेटिंग में जाता हूँ, अभी आप साउंड में जाएंगे तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं गाना बजाता हूँ, अब मस्त वाला है, रिवर्स स्पीकर सिर्फ, फ्रंट स्पीकर, ट्विटर इधर का स्पीकर, रिवर्स और टोन देखें तो टोन आप कुछ ऐसा चेंज सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं इसका सेट कर दूंगा थोड़ा एडवांस में जाके, और डिफॉल्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैं अभी टोन सेट कर दूंगा, जैसे मैंने अपने एक्सेल में किया है वैसे ही सेट कर दूंगा। तो मस्त है यार, ऑडियो सेटअप ठीक है यार, मतलब ठीक है, और उतना बाहर का आवाज़ अंदर भी नहीं आता है, डैम्पिंग कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ ऐसे ही इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, वैसे अपने एक्सेल इसके इतना तो नहीं मिलते जितना अपने उसमें मिलते हैं, पूरा आप यहाँ से एवरेज एवरेज देख सकते हैं, ये सब इसमें आपको नहीं मिलता, क्योंकि पुराने डिस्प्ले 16 से आता था, 15 से या फिर 13 मॉडल से,
उतने से आ रहा है ये डिस्प्ले, और 19 में यहाँ तक या 20 में यहाँ तक नया डिस्प्ले आया है, तो कहाँ से आएगा फीचर? तो वही है, मतलब ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये डिस्प्ले, उस टाइम के लिए वर्थ है कि नहीं, थम्स अप करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ करें सो। जय हिंद, जय भारत। अगर गाना सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID vivekmkp120 है, वहाँ पर जाइए, मस्त सा अभी मैं गाना एक डाल दूँगा, उसको आप सुन सकते हैं।